आप सभी का फिर से स्वागत है। आपके सामने जो पोर्ट्रेट दिख रहा है, आज पोर्ट्रेट की क्लास नहीं है, लेकिन इस पोर्ट्रेट में शेडिंग कैसे लगी हुई है यानी हम उस पर बात करेंगे। चाहे पोर्ट्रेट हो चाहे लैंडस्केप हो, आप इस लैंडस्केप में देखिए, ट्री को हमने थोड़ा डार्क करके या अलग दिखा दिया है। तो जहाँ डार्क किया है उसके जस्ट पास में लाइट होगा। ये देखिए, यहाँ पर ये डार्क है तो इसके पास ये जो पत्ते हैं वो लाइट हैं। यहाँ है, इस जगह आप देखिए, ये डार्क हमने किया तो जस्ट इसके बाद में ये लाइट है। ये डार्क है तो यहाँ पे लाइट है, ये डार्क है तो यहाँ पे ये जो दो जने दिखा रखे हैं ये दोनों लाइट हमने किए हैं। यहाँ डार्क है तो ये लाइट है, ये डार्क है तो यहाँ लाइट है, यानी डार्क और लाइट हैं। तो ये डार्क और लाइट भी अचानक नहीं है। यहाँ जो शेडिंग है इसमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी हैं, यानी अगर आपको शेडिंग अच्छी आती है तो आप लैंडस्केप ब्लैक एंड वाइट बहुत अच्छा बना सकते हो, और जब ब्लैक एंड वाइट शेडो आप अच्छे से लगा सकते हो तो कलर में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको कलर टेक्निक आ जाएगी तो आप किसी भी तरह की पेंटिंग बना सकते हो। चलो कोई खाली पेज देखते हैं इस स्केच बुक में, जहाँ पर मैं शेडिंग लगा के बताता हूँ। ये स्केचेस हैं, देखो इसमें भी शेडिंग लगी हुई है। जब शेडो लगती हैं तो जो 2D चित्र होता है वो 3D में बदल जाता है। यहाँ भी कुछ एब्स्ट्रैक्ट बना रखा, देखिए स्केच बुक में स्केचेस बना रखे हैं, कुछ भी बना रखे हैं। ये क्लास थी अपनी, हाँ खाली पेज अपने को मिल गया है। अब इसमें शेडिंग हम लगाते हैं, क्या हमें ध्यान रखना है। पेंसिल आपको कुछ ऐसे पकड़ देनी है, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले पेंसिल आपको लाइट रखना है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखो यहाँ से डार्क स्टार्ट हुई और ये लाइट होगी, और पेज में ऐसे धीरे धीरे ये लाइट होगी बिल्कुल, और पेज में कहाँ मिक्स हुई ये पता नहीं चलेगा। जब ये शेडो जब पूरी होगी तो आपको पता भी नहीं लगेगा। अब पेंसिल में थोड़ा और दूर से पकड़ता हूँ, पहले मैंने ऐसे पकड़ रखी थी, अब पेंसिल को मैं थोड़ा ऐसे पकड़ूँगा और ताकि थोड़ा सा दबाव आए। वापस आपको यहीं से स्टार्ट करना है, कई आर्टिस्ट को देखा है कि वो एक बार में शेडो लगा देते हैं। ये शेडिंग एक बार में कंप्लीट नहीं करनी है, आपको ऐसे धीरे धीरे जो जगह खाली है उसको भरते रहना है। देखो ये जो लाइनें हैं, अब देखो दिखना बंद हो गई है अभी तो, जबकि हमारे ये सेकंड स्टेप ही है। देखो ये यहाँ धीरे धीरे बिल्कुल आपको पेंसिल को ऐसे उठा देना है, लाइट कर देना है। वापस आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। अब मैं ये जो अंगुली इधर थी इसको थोड़ा सा इधर लाऊंगा, और इधर हल्का सा इधर, ताकि इस पर थोड़ा सा दबाव और पड़े। यहाँ से स्टार्ट करूँगा और कुछ इस तरह, यहाँ धीरे धीरे जब आप इधर ये लाइट करना चाह रहे हो तो ये अंगुली वापस इधर नीचे कर दो और पेंसिल पे दबाव कम कर दो। देखो तो यहाँ पे ऐसी चल रही है पेंसिल,
जबकि मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐसा करके थोड़ा डार्क चलाई थी। और इस जगह जो जो मैं इधर लाइट की तरफ बढ़ रहा हूँ तो पेंसिल को हल्का करता रह रहा हूँ। ये लाइन का दबाव, इस पेंसिल अंगुली का दबाव मैं कम कर रहा हूँ। देखो ये यहाँ करूँगा तो और लाइट कर दूँगा। देखिए तीन स्टेप हो गए अपने। वापस आपको इधर से यहीं से स्टार्ट करना है, अंगुली को थोड़ा और इधर करना है ताकि दबाव और लगे पेंसिल पे। वापस इधर से स्टार्ट करना है, पेंसिल को नज़दीक से पकड़ना स्टार्ट कर देना है और अंगुली को ऊपर लाना स्टार्ट कर देना है। वापस आपको इधर से स्टार्ट करना है। यहाँ पेंसिल को दबाऊंगा मैं। मैंने पंखा बंद कर रहा है तो मच्छर भी आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे कान में कुछ ये गाना सुना के गया है, ये देखिए। देखो मैंने यहाँ पहले ऐसे पकड़ा था, ये डार्क चलेगा और धीरे धीरे इस अंगुली को आप ऐसे 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 करते रहो और इस पे दबाव देना कम करो। जब आप लाइट की तरफ बढ़ो तो क्या होगा, पेंसिल लाइट चलेगी और आप जिस तरह शेडो देना चाह रहे हो, जिस तरह शेडिंग करना चाह रहे वो हो जाएगी। लगता है ये आज की क्लास के लिए काफ़ी है। आप इस पे जितने स्टेप करते जाओगे ये और ज़्यादा अच्छी बनती जाएगी। एक बार फिर से मैं बता दूं कि पेंसिल आपको पहले ऐसे पकड़ना है, जब आप ऐसे पकड़ो तो बिल्कुल भी पेंसिल पे दबाव नहीं पड़ेगा। आप जब स्टार्ट करो तो ऐसे ही आपको इस तरह करके डार्क टू लाइट जाना है या लाइट टू डार्क जाओगे, कैसे भी आप कर सकते हो। बस तरीका आपको आना चाहिए, पहले पेंसिल ऐसे पकड़ो, फिर धीरे धीरे ज्यों ज्यों आपका काम होता जाए, ज्यों ज्यों स्टेप्स बढ़ते जाए,
आप पेंसिल ऐसे पकड़ो, फिर और दबाव देते रहो, पेंसिल को आगे से पकड़ना स्टार्ट करो, तो ऐसे और दबाव इस पर आएगा और आपका जो ड्राइंग है वो अच्छा बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नहीं तो आपको कुछ भी पूछना है आप ज़रूर पूछिए। एक चीज़ और है, जैसे ये शेडिंग यहाँ से करके हम इधर लाइट गए, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ऐसे भी कर सकते हो, इधर से डार्क शुरू करोगे और इधर लाइट करोगे, फिर इधर से डार्क करते 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 आप इधर लाइट आओगे, फिर इधर से डार्क करते करते आप इस तरफ लाइट जाओगे। यानी आपको हर तरफ से ये शेडिंग करना सीखना है। आप डार्क से लाइट आओ, लाइट से डार्क जाओ, इस तरह से कर करके आप, जब आपको ये शेडिंग अच्छी आ जाएगी तो आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी और आप पेंटिंग दूसरे जो पेंटिंग करते हैं उनसे अच्छी बेहतर बना पाओगे। ऑल द बेस्ट।